क्षेत्र से संबंध रखते हैं जी। इतने यंग एज में अच्छा खासा अचीवमेंट किया उन्होंने भोजपुरी किया है, लेकिन भैया एक अंग्रेजी फिल्म कर रहे हैं हम लोग, बॉलीवुड की फिल्म है वो, तो मैं उनके साथ अभी गोवा प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, तो अभी शूट पे भी जा रहे हैं। इनमें भैया इसमें लीड हैं, वो लीड कर रहे हैं और काफ़ी सारे फिल्में ये कर चुके हैं, और ये खतरों का खिलाड़ी सीजन 4 से भी अभी आए हैं, तो नहीं अभी नहीं आए, बहुत अच्छा मतलब बहुत टाइम हो गया सीजन 4 का, बहुत टाइम हो गया। तो भैया को थैंक यू सो मच कि ऐसे काबिल समझा, और खतरों की बात कर ही ली है तो ये जानना चाहूँगा रियलिटी शो का जो ड्रामा होता है, मेलो ड्रामा होता है, कितना एडजस्ट कर पाए आप, क्या करें वहाँ पे ड्रामा और वहाँ पे बहुत कंटेंट क्रिएट होता है। आप जा चुके हैं तो कुछ बताइए क्या देखिए, खतरों के खिलाड़ी में बेसिकली ड्रामा और कंटेंट होता नहीं, वो बहुत रियलिस्टिक होता है। हर आदमी जीतने के लिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि छिपकली पकड़नी है और आप छिपकली नहीं पकड़ सकते, आपको डर लगता है फिर भी आप पकड़ने जा रहे हो, तो उसमें एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर पकड़ ली तो पकड़ ली, नहीं पकड़ पाए तो नहीं पकड़ पाए, तो और जो नहीं पकड़ पाया या जो और बाकी पकड़ पाए हैं तो वो अपनी टाइम के हिसाब से चलेंगे। तो आपने एक बार ऐसी चीज़ कर दी जो आप नहीं कर सकते, आपका फियर बेसिकली उसको फाइट कर लिया, तो फिर तो टाइमिंग सब देखो। जज कौन था, होस्ट कौन था वहाँ पे? अक्षय कुमार साहब थे। तो अक्षय के साथ मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए भी, अक्षय को जानते हैं, एज अ पर्सन भी बहुत ग्रेट हैं और एज एन एक्टर भी, तो क्या अक्षय कुमार साहब, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, बचपन से ही उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बचपन मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं सर, बहुत यंग है, मैं एजड हूँ उनसे ज़्यादा, बट नहीं सर बहुत हाई एनर्जी है, उनका एक स्केड्यूल चलता है, वो स्केड्यूल अगर कोई भी लड़का फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसका जो भी वो जो टेंशन लेके चलते हैं ना, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद उनका फिटनेस रेगिमा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, हम लोग वो नहीं फॉलो कर सकते, हम लोग कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, वो शॉर्टकट नहीं ढूंढते। इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी जिस सीज़न में मैंने भी किया था, वो सीज़न में सुबह सुबह सबसे पहले वो सेट पे पहुंचते थे, सेट पे पहुंचने के बाद वो सारे स्टंट खुद प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद देखते थे कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है, उसके बाद फिर वो स्टंट को परफॉर्म करते थे। ये भी कहना चाहूँगा, बहुत लोग को ये भी है कि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने से कंटेस्टेंट को अप्रोच किया जाता है किसी रियलिटी शो के लिए, वो कितना सही है गलत है? नहीं डेफिनेटली आजकल वो टाइम आ गया है इंस्टाग्राम वाला कि आपके पास जितने फॉलोअर्स हैं आप उतने बड़े सेलिब्रिटी हो, हालांकि मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं अपने काम पर बिलीव करता हूँ। मेरी 5th मूवी है, शायद 5वीं मूवी आ रही है और सारी एज अ मेन लीड की है, तो मैं अपने हार्डवर्क पे बिलीव करता हूँ, मैं ये शॉर्टकट नहीं लेता, इंस्टाग्राम ट्विटर और टिकटॉक खत्म हो गया ना, टिकटॉक तो हाँ टिकटॉक तो रील्स आ गए, रील्स आ गए, सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। मैं जो जिस टाइम पे मैं गया था जिस एरा में, उस समय वो लोग सुपर मॉडल इंडिया के देख रहे थे एंड आई वॉज ग्रासम मिस्टर इंडिया इन 2006, तो मेरे लिए एक अचीवमेंट था जो मेरे प्रोफाइल को देख के उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया, इंडिया मॉल इंडिया ने स्पेशली, थैंक्स टू ऑल। रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने से फिल्म प्रोड्यूस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आगे क्या करियर होता है ये बताइए? सो थैंकफुली मेरे को मेन लीड मिला, काफ़ी सारे फिल्में भी कर ली है भैया, अलग आप बोलिए क्या शो खतरों के खिलाड़ी में कि नहीं आप? जी जी मैं तो देखती भी हूँ, अभी मतलब बाहर हो गया हुआ है तो मुझे देखती बहुत मजा आता है, मतलब ये हिम्मत वाली लड़कियाँ हैं या हिम्मत वाली लड़कियाँ। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊँगी खतरों के खिलाड़ी के बारे में, वो जो जोक होते हैं हमारे गाँव में जोक बोलते हैं, जब वो चिपकता है तो फूल लेके ही निकलता है बाहर, तो मुझे तो उससे बहुत डर लगता है बाबा, तो कहीं ना कहीं मेरा तो आर्ट बनने लगेगा। मैं बताना चाहूँगा सौरभ भैया के साथ कि ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं इनको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत जिम, मतलब मैं इनके साथ रहता हूँ, मुझे पता है कि बहुत जिमिंग वगैरह वो करते हैं, बहुत हार्ड वर्क, ठीक है फिर ओके। मतलब बाहर हो गया हुआ है तो मुझे देखती बहुत मजा आता है, मतलब ये हिम्मत वाली लड़कियां हैं या हिम्मत वाली लड़कियां। आसान है, पूछ लीजिए उनसे कितना मुश्किल है। एक्चुअली मैं एक चीज बताऊंगी खतरों के खिलाड़ी के बारे में, वो जो जोक होते हैं हमारे गांव में जोक बोलते हैं, जब वो चिपकता है तो फूल लेके ही निकलता है बाहर, तो मुझे तो उससे बहुत डर लगता है बाबा, तो कहीं ना कहीं मेरा तो आर्ट बनने लगेगा। मैं बताना चाहूँगा सौरभ भैया के साथ कि ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं इनको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत जिम, मतलब मैं इनके साथ रहता हूँ, मुझे पता है कि बहुत जिमिंग वगैरह वो करते हैं, बहुत हार्ड वर्क, ठीक है फिर ओके।